वेलकम टू यू लर्नम ये आर आई एम रबीना राय एंड टूडे आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कम्पलीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सी एस आई आर यू जी सी ने सी एस आई आर यू जी सी नेट बेसिकली ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन है एंड आफ्टर क्वालिफाइड सी एस आई आर यू जी सी नेट यू विल बी एलिजिबल फॉर परसुइंग पी एच डी फ्रॉम एनी रिक्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं साइंटिस्ट बनना चाहते हैं साइंटिफिक ऑफिसर बनना चाहते हैं कंडक्ट किया जाता है सच इज फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस टॉकिंग अबाउट ओनली सी एस आई आर यूजीसी ने लाइफ साइंस तो हेयर वी विल टॉकिंग अबाउट एग्जाम स्कीम एग्जाम पैटर्न सिलेबस बुक पीवाई क्यू एनालिस एंड स्ट्रेटेजी नेम ऑफ एग्जामिनेशन इज ज्वाइंट सी एस आई आर यूजीसी नेट एंड सी एस आई आर यू जी सी नेट को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फर्स्ट इज सी एस आई आर जे आर एफ यदि आप सी एस आई आर जे आर एफ कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं और इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से पी एच डी करते हैं तो आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं प्लस में आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं सेकेंड कैटेगरी इज यू जी सी जे आर एफ यदि आप यू जी सी जे आर एफ कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो अगेन आप फेलोशिप के लिए एलिजिबल हैं प्लस में आप लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हैं एंड थर्ड कैटेगरी इज नेट यदि यदि आप आप खाली net qualify करते हैं तो के लिए preparation कर रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो अपेयर फॉर गेट लाइफ साइंस एग्जाम डीबीटी जी आर एफ एंड आईसीएमआर एग्जाम बिकॉज ये जो तीन एग्जाम है इनका सिलेबस एट्टी परसेंट सिमिलर होता है सी एस आई आर के इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई आर यूजीसी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन सो पेर यू कैन अपियर फॉर गेट लाइफ साइंस एग्जाम डीबीटी एंड आईसीएमसी ने कंडक्टेड बाई एन टी ए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाउ कमिंग ऑन हू कैन अपियर तो जब भी हम किसी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में यही आता है फॉर दिस एग्जामिनेशन तो आप एम एस सी के स्टूडेंट हो सकते हैं जिसमें आप एमएससी इनरोल्ड हो सकते हैं कॉन्टिन्यूड हो सकते हैं या कंप्लीट आपने एमएससी कर ली हो आप इंटीग्रेटेड बी एस एम एस बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं आप बैचलर ऑफ साइंस बी एस एम एस फोर्थ ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो सकते हैं रिजल्ट एवेटेड कैंडिडेट हो सकते हैं आप बीटेक या बी फार्मा के फाइनल ईयर स्टूडेंट या रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट हो सकते हैं यू कैन ऑल्सो द कैंडिडेट ऑफ एम बी बी एस फाइनल ईयर एंड रिजल्ट अवेटेड लेट्स टॉकिंग अबाउट एज लिमिट तो सी एस आई आर में जे आर एफ कैटेगरी में कुछ एज लिमिट को डिफाइन किया गया है यदि आप जनरल कैटेगरी uh, के कैंडिडेट हैं स्पेशली फॉर मेल तो यहाँ पर एक एज लिमिट है दैट इज ईयर तो आप 28 ईयर तक ही एलिजिबल हैं फॉर सी एस के लिए यदि आप फीमेल एप्लीकेंट हैं तो डजेंट मैटर आप किसी भी कैटेगरी की तो हो सकती हैं जर्नल ओ बी सी एस सी एस टी पीडब्ल्यू डी तो आपको फाइव ईयर का एज रिलैक्सेशन होगा मीनिंग आप अपू थर्टी थ्री ईयर तक एलिजिबल हैं और सी एस आई आर जे आर एफ के लिए आप एस सी एस टी थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यू डी कैटेगरी में हैं तो अगेन आपको फाइव ईयर का रिलैक्सेशन है

If you are the candidate of SC, ST, third general and PWD category, so you should pass out your examination with 50% marks. Okay, so let's talking about fellowship. तो so, यदि fellowship की बात करे, तो इसका जो validity period है, वो two year तक होगा. Meaning यदि आपने 2023 में exam को qualify करा है, तो up to 25 आप अपने certificate को कभी भी activate कर सकते हैं. एंड ये जो फेलोशिप का ड्यूरेशन है यदि आप पीएचडी करते हैं इंडिया के किसी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से तो आप फाइव ईयर तक इस फेलोशिप को ले सकते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट टू ईयर जो है आप जे uh, कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे जूनियर रिसर्च फेलो जिसमें आपको थर्टी सेवन थाउजेंड पर मंथ प्लस एच की फेलोशिप मिलेगी वहीं पर नेक्स्ट थ्री ईयर के लिए आपको प्रमोट कर दिया जाएगा एस में सीनियर रिसर्च फेलो जहां पर आपको फेलोशिप का जो अमाउंट है वो फोर्टी टू थाउजेंड पर मंथ प्लस एच आर ए होगा साथ ही साथ आपको कंटिजेंसी प्रोवाइड कराई जाएगी ट्वेंटी थाउजेंड पर ईयर की ओके सो नेक्स्ट स्टेप इज एसपीएम फेलोशिप सो एसपीएम फेलोशिप इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप है जो सी एस आई आर टॉप टेन स्टूडेंट या टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं सी एस आई आर के उनके लिए प्रोवाइड करा दिया जाता है इसका अगेन जो अमाउंट है वो है थर्टी सिक्स थाउजेंड पर मंथ प्लस एच होगा फर्स्ट टू ईयर के लिए एंड एस कैटेगरी में ये बढ़ के फोर्टी टू थाउजेंड प्लस एच हो जाएगा थर्ड ईयर तक के लिए ये भी फाइव ईयर के लिए आपको होगा और इसमें जो कंटिजेंसी का अमाउंट है वो सेवेंटी थाउजेंड पर मंथ होता है एक्चुअली अभी जो फेलोशिप हाइक हुआ था उसमें जे एंड एस आर की इंक्रीजमेंट के रिग, रिगार्डिंग तो इन्फॉर्मेशन मिली थी बट दे इज नो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसपीएम फेलोशिप तो हो सकता है कि अपकमिंग टाइम uh, में जो है इस फेलोशिप में भी कोई इंक्रीजमेंट हो लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन बनाया ये प्रीवियस पे स्केल का था जो अभी तक मिलता आ रहा है एसपीएम फेलोशिप में सो दीज आर दर फेलोशिप रिगार्डिंग टू पी एच डी स्टूडेंट पी एच डी फेलोशिप तो फर्स्ट इज नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट एंड नेशनल फेलोशिप फॉर अदर बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट एंड मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट इन माय अपकमिंग वीडियो आई विल टॉकिंग अबाउट इन अ कंप्लीट वे ऑल थ्री फेलोशिप तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं कब इसको अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है इसका डिटेल वे में मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में दे दूँगी ओके okay. लेट्स टॉकिंग अबाउट एग्जाम पैटर्न तो सी एस आई आर जो एग्जामिनेशन है वो वन ईयर में दो बार कंडक्ट किया जाता है मीनिंग हर सिक्स सिक्स मंथ के इंटरवल में जो है इसका कंडक्शन होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है इसमें जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है वो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन होंगे मीडियम ऑफ एग्जाम की यदि बात करी जाए तो ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में होगा एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम यदि आप हिंदी मीडियम चूज कर रहे हैं तो यू विल बी फाइंड योर एग्जामिनेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश और यदि आप खाली इंग्लिश मीडियम चूज कर रहे हैं तो यू विल बी फाइंड योर एग्जामिनेशन इन ओनली इंग्लिश मोड टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो थ्री आर है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, 145 है और जो आपको अटेम्प्ट करने हैं सेवेंटी फाइव है तो यहाँ पर चूज आप कर सकते हैं क्वेश्चन को क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन है वो वन फोर्टी फाइव है जिनमें से आपको सेवेंटी फाइव ही क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं एंड मैक्सिमम जो मार्क्स है वो टू हंड्रेड है ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन पेपर या एग्जामिनेशन पैटर्न तो यदि आप क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर को थ्री पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी जो पार्ट ए है उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी टू मार्क्स पार्ट बी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 है एंड अगेन ईच क्वेश्चन विल कैरी टू मार्क्स और पार्ट सी में 75 क्वेश्चन होते हैं एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी फोर मार्क्स एंड नंबर ऑफ द क्वेश्चन वन कैन अटेम्प्टेड 50 15 आउट ऑफ 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में पार्ट बी में आउट ऑफ फिफ्टी एंड पार्ट सी मस्ट बी देयर तो इसमें होगा ये कि यदि पार्ट ए में यदि आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं आपका आंसर करेक्ट है तो आपको टू मार्क मिलेंगे और वहीं पर यदि आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो पॉइंट फाइव मार्क विल बी सब्सट्रेक्टेड अगेन पार्ट बी में भी वैसा ही है यदि आप क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो आपको टू मार्क मिलेंगे और रॉन्ग आंसर देने पे मार्क विल बी एंड पार्ट सी के लिए यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको फोर मार्क्स मिलेंगे और वहीं पर यदि रॉन्ग आंसर पे वन मार्क विल बी सब्सट्रेक्टेड एंड नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रीवियस ईयर का डेटा बताया है कि जो ईयर ट्वेंटी टू था उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर जे आर एफ फोर्टी टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन थी एंड नेट के लिए थर्टी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू सीट्स जो थी वो रिजर्व करी गई थी नाउ कमिंग ऑन सिलेबस में यदि पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में जो क्वेश्चन है वो जर्नल साइंस क्वान्टिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यदि आपको पार्ट ए अटेम्प्ट करना है उसके क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको थ्री पार्ट जो है वो कवर करने रहेंगे General साइंस quantitative रीजनिंग एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड तो इन पार्ट बी यदि पार्ट बी की सिलेबस की बात करें तो टोटल जो यूनिट है वो थर्टीन uh, यूनिट है आपकी तो जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज मॉलिक्यूल एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी जिसमें आप प्रोटीन अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट या जो भी बायो मोलिक्यूल्स से उनके स्ट्रक्चर फंक्शंस ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉर्टिंग की स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्टडी इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू बी स्टडी अबाउट द सेल सेल ऑर्गेनल्स इसमें आपको स्ट्रक्चर फंक्शंस की स्टडी करनी है नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज फंडामेंटल प्रोसेस इट इज ऑल्सो नोन एज एडवांस मोलिकुलर बायोलॉजी इसमें जो है आप वो रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस एंड डीएनए रिपेयर्स की स्टडी करेंगे फोर्थ यूनिट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेलुलर सिग्नलिंग जिसमें आप गैप जंक्शन टॉक बिथवीन द सेल्स एंड डिफरेंट सिग्नलिंग जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर टाइरोसिन काइनेस सिग्नलिंग ये सारी स्टडी करेंगे फिफ्थ यूनिट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी जिसमें आप प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल डेवलपमेंटल बायोलॉजी बोथ स्टडी करेंगे एंड सिक्स सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट एंड सिस्टम फिजियोलॉजी इन एनिमल जिसमें आप डिफरेंट सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एस्क्रेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे नेक्स्ट कमिंग ऑन इनहेरिटेंस बायोलॉजी इट इज ऑल्सो नोन मेंडिलियन जेनेटिक्स जिसमें आप मैंडलियन जेनेटिक्स की स्टडी करेंगे क्लासिकल जेनेटिक्स एंड साइटोप्लाज साइटोप्लाजमिक इनहेरिटेंस नाइंथ यूनिट इज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म टेंथ इज इकोलॉजी प्रिंसिपल एवोल्यूशन एंड बिहेवियर इन ट्वेल्व यूनिट अप्लाइड बायोलॉजी एंड थर्टीन यूनिट मेथड्स इन बायोलॉजी जो आपके ट्वेल्व एंड थर्टीन यूनिट है उनमें आप बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी बायोफिजिक्स की स्टडी करेंगे इन दिसड आई हेम मैं यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पार्ट बी एंड पार्ट सी तो अगर आप देखें कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली कैसे होता है तो जो आपकी यूनिट वन से लेके यूनिट जो आपकी थर्टीन है वहां पर इक्वली हर एक यूनिट का वेटेज है और हर एक यूनिट को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है जैसे पार्ट बी की बात करें तो थ्री से फाइव क्वेश्चन और पार्ट सी की बात करें तो फाइव टू सेवन क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से पूछे जाते हैं हो सकता है कि यूनिट वन में आपका थ्री क्वेश्चन हो फोर क्वेश्चन हो या फाइव क्वेश्चन हो वहीं पर यूनिट पार्ट सी में फाइव क्वेश्चन हो सकते हैं सिक्स हो सकती है सेवन क्वेश्चन हो दें कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद एक पर्टिकुलर यूनिट से काफी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे कंफ्यूजन होता है यूनिट नाइन टेन एंड इलेवन में बिकॉज जो आपकी डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म है इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ये तीनों यूनिट इंटरकनेक्टेड यूनिट है तो कई बार हमें ऐसा हो जाता है कि शायद इकोलॉजी या एवोल्यूशन से काफी क्वेश्चन आ गए लेकिन ऐसा नहीं है सी एस आई आर एग्जामिनेशन में हर एक यूनिट को इक्वल वेटेज दिया जाता है और जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जो रेंज मैंने मेंशन करा है थ्री टू फाइव एंड फाइव टू सेवन अपर्टीन यूनिट सिमिलर होता है नाउ कमिंग ऑन कॉमन यूनिट्स तो कॉमन यूनिट की यदि आप बात करें तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री यूनिट सेकेंड सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट थर्ड फंडामेंटल प्रोसेस यूनिट फोर सेल्युलर कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग इनहेरिटेंस बायोलॉजी अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी ये जो आपकी यूनिट्स है ये कॉमन यूनिट्स के अंतर्गत आती है कॉमन यूनिट क्यों क्योंकि ये जो यूनिट्स है इनकी स्टडी आपने कहीं ना कहीं करी होगी अपने ग्रेजुएशन में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बायोकेमिस्ट्री सेल्यूलर बायोलॉजी मोलिकुलर बायोलॉजी सेल्युलर सिग्नलिंग इनहेरिटेंस बायोलॉजी मेथड्स इन बायोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े इसीलिए इनको कॉमन यूनिट्स कहा जाता है एंड कुछ यूनिट्स जो हैं जिन्हें अदर यूनिट्स की कैटेगरी में रखा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी सिस्टम फिजियोलॉजी इन प्लांट एंड एन एनिमल डाइवर्सिटी लाइफ फॉर्म इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन ये जो आपकी यूनिट्स हैं, ये स्पेशल यूनिट्स होती है अदर यूनिट होती है इनको आपने हो सकता है स्टडी करा हो अपने किसी स्पेशल पेपर में जैसे अगर आपकी एमएससी बॉटनी से है तो डेफिनेटली आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यदि आप जोलॉजी से हैं तो आपने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा होगा यदि आपने एनवायरमेंटल साइंस से अपनी एमएससी करी है तो आप इकोलॉजी प्रिंसिपल एवोल्यूशन वगैरह जो है स्टडी करेंगे तो ये जो है अदर यूनिट की कैटेगरी में इनको रखा जाता है नाउ कमिंग ऑन एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ कवरेज यदि आप पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में एक्सटेंट ऑफ कवरेज जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पार्ट बी के जो क्वेश्चन है वो इन्फॉर्मेटिव होते हैं एक्सटेंट फॉर्म में आते हैं तो आप जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करेंगे आप उतने अच्छे से पार्ट बी को जो है वो कवर कर सकते हैं एंड पार्ट सी में जो है वो डेप्थ ऑफ कवरेज जो है मोर इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो जितने भी क्वेश्चन है पार्ट सी में जो पूछे गए हैं वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जिनमें डेप्थ ऑफ कवरेज जो है वो हाईली इम्पॉर्टेंट है यदि आप ओवरऑल कवरेज की बात करें तो एटलीस्ट आपको नाइन टू टेन यूनिट्स जो है कॉमन यूनिट्स आपको टारगेट करनी रहेंगी सी एस आई आर क्वालिफाई करने के लिए और आप अपनी उन्हीं यूनिट्स को या सी एस आई आर एग्जामिनेशन के लिए आप उन यूनिट को चूज करिए जो आपके अकेडमिक बैकग्राउंड में थी इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू सो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर तो ये कुछ डेटा है प्रीवियस ईयर डेटा है कि हर एक ईयर जो है कितने स्टूडेंट जो है वो अपेयर होते हैं तो यदि आप ईयर ट्वेंटी वन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट जो है वो सिक्सटी थाउजेंड स्टूडेंट जो है इस एग्जामिनेशन में अपेयर हुए थे

तो यदि आप सी एस आई आर की बात करें तो उसका जो कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी वन ट्वेंटी मार्क्स जो है वो मैक्सिमम रखा गया है एक्चुअली ये जो एस्टिमेशन है ये रफ एस्टिमेशन है तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके अप्रोक्सीमेटली ही इसको बताया गया है तो यदि आप जे आर एफ कैटेगरी में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके मार्क्स जो है वन ट्वेंटी सफिशियंट है और यदि आप नेट कैटेगरी की बात करते हैं तो वन जीरो फाइव जो मार्क है

96.5 and net 94.3, uh, OVC for GRF 96.1 and for net 92.7, SC 90.9 and 86.6 for GRF and net respectively, for ST 84.2 and uh, 78.5, and PWD 61.8 uh, and 61.8 again for GRF and net respectively. इन दिसन में कट ऑफ फॉर 2021 तो so, ये भी परसेंटाइल में ही आता है so, यदि आप जी आर एफ कैटेगरी में बात करें अनरिजर्वड कैटेगरी की तो 98.7 एंड फॉर नेट 97.0 था फॉर जी आर एफ नाइन्टी सिक्स जीरो एंड 93.8 थ्री 96.2 एट ओवीसी नाइनटी सिक्स एंड नाइंटी ST for JRF 90.5 and 86.3 for net, ST 84.8, 79.8 for JRF and uh, net respectively, and PWD uh, 64.7 and 63.6 for JRF and net respectively. Okay, so talking about reference book. तो यदि आप सी एस आई आर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं किसी भी कारण से तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू भी इस एग्जामिनेशन को जो है क्वालिफाई कर सकते हैं देट्स वाई एम टॉकिंग अबाउट सम रिफरेंस बुक तो प्लीज़ गो विथ रेफरेंस बुक डोंट गो विथ एनी लोकल बुक जो सी एस आई आर का एग्जाम है या जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट रेफरेंस बुक या स्टैंडर्ड बुक से ही पूछे जाते हैं दट्स वाईमेंशन द सम एग्जाम्पल ऑफ रिफरेंस बुक So first book is uh, Principle of Biochemistry by लेलेंजर ये जो book है ये आपके most of the topic को cover करता है बायोकेमिस्ट्री के तो जो आपकी यूनिट बन है आप उसको लेलेंजर की जो बुक है उससे प्रिपेयर कर सकते हैं और ये अगेन बायोकेमिस्ट्री के लिए बुक है बाय वूट एंड बुट इससे भी आप अपनी जो यूनिट बन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपकी बुक है वो है मोलिकुलर बायोलॉजी बाय लोडिश जो आपकी यूनिट टू एंड यूनिट फोर मतलब कि सेल बायोलॉजी जिसमें आपको सेल्युलर सिग्नलिंग सेल जंक्शंस और सेलुलर ऑर्गेनल्स जो है उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो पार्ट सॉरी यूनिट टू एंड यूनिट फोर को जो है आप मोलिकुलर बायोलॉजी बाय लोडिश के थ्रू प्रेफर कर सकते हैं एंड नेक्स्ट इज सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी बाय एंड कार्स जिसमें आपको यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड मीनिंग आपका फंडामेंटल प्रोसेस एंड सेल बायोलॉजी जो है आप यूनिट टू एंड यूनिट थर्ड इस बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अगेन मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए एक बड़ी अच्छी बुक है बायोलॉजी ऑफ जीन बाय वॉटसन जिसमें आप यूनिट थर्ड मोलिकुलर बायोलॉजी को कवर कर सकते हैं एंड माइक्रोबायोलॉजी बाय लेजेंड माइक्रोबायोलॉजी बाय हॉर्ले इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे एंड प्लांट फिजियोलॉजी जो आपकी यूनिट सेकंड है इसके लिए तेज एंड जिगर वन ऑफ द बेस्ट बुक है इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं फॉर यूनिट सिक्स एंड यूनिट जो सेवन है एनिमल फिजियोलॉजी ये टोर्टोरा की एक बुक है जो यूनिट सेवन एनिमल फिजिलॉजी में जो भी आपके टॉपिक सिस्टम्स हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको इस बुक में मिलेगी एंड द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक बाय जॉन गार्डनर आई जेनेटिक्स बाय रोजेल जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस बाय टी ए ब्राउन जो आपकी यूनिट ट्वेल्व एंड यूनिट थर्टीन के लिए है अगेन एक बुक है जो ट्वेल्व एंड थर्टीन यूनिट के लिए दैट इज मॉलिकुलर एंड बायो केमिकल टेक्निक्स बाय विल्सन एंड वॉकर टू मोर बुक है फर्स्ट इज इनवाटल बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन बाय ब्रूजी लिटमैन एंड बायोलॉजी बाय कैम्बेल तो ये जो कुछ बुक हैं इनसे आप अपनी सी एस आई आर की मोस्ट ऑफ़ यूनिट जो है उनको प्रिपेयर कर सकते हैं फर्स्ट थिंग इसके अलावा भी बहुत सी बुक है जो एम सी क्यू के लिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं तो आप उनको भी प्रीफर कर सकते हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड बुक है जिनमें आपको मोस्ट ऑफ़ द टॉपिक जो है सी एस आई आर के मिल सकते हैं तो प्लीज गो विद दीज बुक एंड नाउ कमिंग ऑन स्ट्रेटी पार्ट तो बेन वन शुड स्टार्ट इट तो फर्स्टली यदि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है यदि आपका बीएससी और एमएससी जो है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से है तो आपके लिए हार्डली सिक्स मंथ ही सफिशियंट है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लेकिन यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है तो एटलीस्ट आपको एक ईयर जो है इस एग्ज़ाम को देना चाहिए सेकेंड नो टू द सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न सो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताया कि जैसे टोटल थर्टीन यूनिट होती हैं उस यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैंने आपको बताया है और एग्जाम का पैटर्न क्या है जैसे मैं आपको पहले बताई कि एग्जाम जो है वो थ्री पार्ट में होगा पार्ट ए पार्ट बी एंड पार्ट सी कितने आपके क्वेश्चन होंगे कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं सिलेक्शन ऑफ यूनिट इज हाईली इंपॉर्टेंट तो इसीलिए मैंने आपको दो वे में डिवाइड करा है फर्स्ट इज कॉमन यूनिट अनदर वन इज अदर यूनिट तो जो आपकी कॉमन यूनिट है वो तो आपको चूज करनी है और जो आपकी अदर्स यूनिट है उनमें से भी कुछ यूनिट्स को आपको चूज करना है जिससे आप अपने पूरे सिलेबस में जो है एटलीस्ट नाइन टू टेन यूनिट्स को कवर कर पाए एक्सटेंड एंड डेप्थ ऑफ कवरेज एस आई हैव ऑलरेडी मैंशन जो आपका पार्ट बी है वो मोर इन्फॉर्मेटिव होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो उनमें इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और पार्ट सी जो है वो डेप्थ ऑफ कवरेज है तो आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है फॉर द कवरेज ऑफ पार्ट बी और पार्ट सी के केस में आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज या डेप्थ ऑफ कवरेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है तो उस तरीके से पढ़ना है एंड एग्जामिनेशन टेम्परामेंट इट इज ऑल्सो हाईली इम्पॉर्टेंट जैसे अगर आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट की बात करें तो आपने जो नॉलेज गेन करा है उसकी जो एप्लीकेशन या उसको कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए जिसके लिए आपको एम की आप बार बार प्रैक्टिस करिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू भी जा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करें टाइमली सॉल्व करें स्पीड के साथ सॉल्व करें और एक्यूरेटली सॉल्व करें नाउ रिवीजन तो एज आई हैव ऑलरेडी हैलरेडी कि जो सिलेबस है ऑफ सी एस आई आर कंटेंट थर्टीन यूनिट जिसमें आपको एटलीस्ट नाइन टू टेन यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी है तो उसके लिए जो रिवीजन है वो आपको हर टाइम टू टाइम करना आ, करना पड़ेगा नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम वेयर वन शुड गेट द इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन आप कहीं से भी आपको मिल जाएगी क्योंकि इंटरनेट जो है उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी बट प्लीज़ गो विद स्टैंडर्ड बुक And किसी स्पेसिफिक जर्नल के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है क्योंकि सी एस आई आर में जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मस्ट भी दिया जो आपको स्टैंडर्ड बुक से या किसी स्पेसिफिक जर्नल से मिल जाएगी ओके सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर यूर अपकमिंग एग्जामिनेशन थैंक यू